झारखंड में ईडी का बड़ा एक्शन, हेमंत सोरेन के करीबी के घर में मारा छापा, प्रेम प्रकाश के घर से मिले 2 AK-47। झारखंड की राजधानी रांची में ईडी ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की। ईडी की कार्रवाई के दौरान सीएम हेमंत सोरेन के करीबी प्रेम प्रकाश के घर से 2 AK-47 राइफल मिले, इसको लेकर सियासी हंगामा मच गया। दरअसल बुधवार की सुबह ईडी ने रांची में प्रेम प्रकाश उर्फ पीपी के ऑफिस समेत एक दर्जन से ज्यादा जगहों पर दबिश दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छापेमारी के दौरान 2 AK-47 राइफल बरामद हुए। हथियारों की बरामदगी के बाद कई सवाल उठने लगे। ईडी ने अवैध खनन और मनरेगा घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के क्रम में प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर छापा मारा। मामले की जांच में प्रेम प्रकाश का नाम भी सामने आया था। ईडी ने प्रेम प्रकाश से पूछताछ भी की थी। पहले भी ईडी प्रेम प्रकाश के कई ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। उस दौरान ईडी को विदेशी नस्ल का एक कछुआ मिला था। इसके साथ ही करोड़ों रुपए के लेन देन से जुड़े कागजात भी मिले थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रेम प्रकाश पर राजनेताओं और नौकरशाहों की मिलीभगत से ट्रांसफर पोस्टिंग का आरोप है। इसके अलावा प्रेम प्रकाश ठेका पट्टा दिलाने में भी बिचौलिए की भूमिका निभाता है। इस मामले की जांच भी ईडी कर रही है। बड़ी बात यह है कि निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के मामले की जांच के दौरान प्रेम प्रकाश का नाम सामने आया था। खूंटी जिले में हुए मनरेगा घोटाले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच शुरू की थी। जांच के दौरान आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और उनके सीए सुमन कुमार को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद राज्य सरकार ने पूजा सिंघल को निलंबित कर दिया था। पूजा सिंघल और उनके सीए सुमन कुमार से रिमांड पर पूछताछ के दौरान ईडी को प्रेम प्रकाश की जानकारी मिली थी। ईडी को पता चला था कि प्रेम प्रकाश बिचौलिए की भूमिका निभाता है। बुधवार की सुबह अवैध खनन केस में ईडी की छापेमारी का कनेक्शन पंकज मिश्रा से भी जुड़ा। ईडी ने अवैध खनन मामले में 19 जुलाई को पंकज मिश्रा को गिरफ्तार किया था। पंकज मिश्रा भी हेमंत सोरेन का करीबी है। उससे पूछताछ के दौरान भी प्रेम प्रकाश का नाम सामने आया था। प्रेम प्रकाश के घर से मिले AK-47 राइफल के मामले को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट करके सीएम हेमंत सोरेन पर जोरदार तंज कसा। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट में लिखा, बिचौलिए प्रेम प्रकाश के घर ईडी के छापे में AK-47 का मिलना ये दर्शाता है कि सत्ता का ये खेल न सिर्फ रिश्वतखोरी से जुड़ा है बल्कि राजनीति का अपराधीकरण और आतंकवाद से भी जुड़ा हुआ है। हम इस पूरे प्रकरण की जांच NIA से कराने की मांग करते हैं। बताते चले कि AK-47 राइफल भारत में प्रतिबंधित है। सवाल उठ रहा है कि ये घातक राइफल किस मंशा से घर में रखा गया था। इन हथियारों का मिलना बहुत सारे सवाल खड़ा करता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।